नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन बिरयानी। तो दोस्तों तंदूरी चिकन बिरयानी के लिए यहां पर देख रहे मैंने लिया है होल चिकन। आपको सेम ऐसा ही होल चिकन लेना है और इसे बनाएंगे हम तंदूरी चिकन। तो होल चिकन को आप लोग तंदूरी चिकन कैसे बनाएंगे वो मैं पहले बताऊँगा। तो तंदूरी चिकन बनाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चिकन पे अच्छा से कट लगाना है। देख रहे मैंने कैसा काट लगा रहा हूँ, आपको सबसे पहले ऐसा काट लगाना है। तो अब हम धीरे धीरे सारे चिकन में अच्छा से कट लगा लेंगे। तो चलो चिकन कटिंग डन, अब इसे वॉश करते हैं और धपा धप लगाते हैं तंदूरी मैरिनेटेड मसाला। अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से वॉश कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने चिकन को अच्छा से वॉश करके स्टेनर पे रख के वाटर को रिमूव कर लिया है। चलो अब लगाते हैं इसमें फास्ट मैरिनेशन का मसाला। तो सबसे पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, नेक्स्ट ऐड करेंगे 5 नींबू का लेमन जूस और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला 1 स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 स्पून, कस्तूरी मेथी पाउडर 1 स्पून, रोस्टेड जीरा पाउडर 1 स्पून, नेक्स्ट ऐड करेंगे स्पाइसी नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर 1.5 चम्मच और नेक्स्ट ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वो भी 1 स्पून, नेक्स्ट ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून, कोरिएंडर लीव्स चॉप और नेक्स्ट ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल देख रहे हैं यहाँ पर कश्मीरी चिल्ली पाउडर रखा है हमने, इसमें ऐड करेंगे तो इसमें जबरदस्त कलर आता है। और नेक्स्ट ऐड करेंगे हैंग कर्ड, आपको क्या करना है ऐड करना है फिल्टर वाला दही। अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से मसाला मिला लेंगे। देख रहे हैं आपको सेम ऐसा ही मसाला बनाना है और ये देख रहे हैं चिकन में अच्छा से मिक्स करना है। मैंने कैसा मैरिनेट कर रहा हूँ आपको सेम ऐसा ही अच्छा से चिकन को मिक्स कर लेना है। आपको सेम चिकन में ऐसा मसाला लगाना है और अब हम इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देते हैं फ्रीजर या चिल्लर में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चिकन को चिल्लर या फ्रीजर से निकालना है। अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से सीख में लगा के तंदूर में ग्रिल कर लेंगे। अगर आपका पास तंदूर ना हो ग्रिल मशीन में या तावा में या हांडी में या माइक्रोवेव में कैसा भी चिकन को ग्रिल कर लीजिए, तो हमारा पास तंदूर है तो हम तंदूर में इस चिकन को अच्छा से ग्रिल कर लेंगे। तो लगा लेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को एक आलू लेना है, देख रहे ना इसका नीचे डाल दीजिए और तंदूर में गिरेगा नहीं, इसको अच्छा से गोल्डन ग्रिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हमारा तंदूर रेडी है। अब हम धीरे धीरे इसे तंदूर में ऐड करेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे हम सारे चिकन को तंदूर का अंदर ऐड कर लेंगे और आपको क्या करना है इसे लीड डाल के अच्छा से चिकन को गोल्डन ग्रिल करना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा धीरे धीरे चिकन को ग्रिल कर लिया है। तो हमारा तंदूरी चिकन रेडी, आपको सेम ऐसा ही चिकन को पकाना है तंदूर से। तो देख रहे आपको सेम ऐसा ही चिकन पकाना है, देख रहे बहुत ही मस्त सॉफ्ट जूसी सा चिकन पक्के तैयार है। तो दोस्तों चिकन डन, अब बारी है राइस की। यहाँ पर देख रहे मैंने एक कंटेनर में लिया है अच्छा क्वालिटी का बासमती राइस। आपको क्या करना है इसे 3 से 4 बार अच्छा से वॉश करना है और पानी डाल के 1 घंटा के लिए भिगो लेना है। तो दोस्तों राइस को भिगा लिया है, तो चलो आप बनाते हैं बिरयानी। तो हमारा हांडी तैयार है, बर्नर भी ऑन कर लेंगे। तो हांडी को गर्म होने दीजिए, नेक्स्ट ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे 1 लीटर रिफाइन ऑयल
और साथ में ऐड करेंगे 500 ग्राम देसी घी। तो दोस्तों देख रहे हमारा हांडी में ऑयल और घी दोनों साथ में अच्छा से गर्म हो चुका है। अब हम चलो इसमें ऐड करते हैं होल खड़ा गरम मसाला। आपका किचन पे जितना वैरायटी खड़ा गरम मसाला हो सारे दो दो पीस करके ऐड कर लीजिए। तो देख रहे अब हम इसे तेल में ऐड कर लिए हैं और इसे जस्ट 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छा से गरम तेल में भून लेंगे। दोस्तों गरम मसाला भुना होने का बाद नेक्स्ट ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली स्लाइस और साथ में ऐड करेंगे ऑनियन स्लाइस। आप कितना क्वांटिटी का बिरयानी बना रहे उसका हिसाब से आपको ऑनियन स्लाइस ऐड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑनियन को अच्छा से भून के बारिश्ता बना लेते हैं। तो दोस्तों आपका ऑनियन जब भून के बारिश्ता बन के आ जाए तब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिरयानी का क्वांटिटी का हिसाब से आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और इसे ऑनियन का साथ अच्छा से 5 मिनट पकड़ के भून के सेट कर लेना है। तो दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट भुना होने के बाद बारी है मसाला का। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे स्वादिष्ट अनुसार नमक, नेक्स्ट ऐड करेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, इसमें क्या होता है बिरयानी में जबरदस्त कलर आता है। नेक्स्ट ऐड करेंगे स्पाइसी नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर। आप कितना क्वांटिटी का बिरयानी बना रहे हैं कितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से देख के ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करना है 1 स्पून बिरयानी मसाला या गरम मसाला पाउडर। अब हम इस मसाला को ऑनियन का साथ अच्छा से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है मसाला जाते ना जले उस तरफ से आपको सख्त ध्यान रखना है। तो तुरंत आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है दही। बिरयानी में कितना सॉरनेस चाहिए या आपका दही खट्टा है या नहीं है उसका हिसाब से आपको क्या करना है, ऐड करना है 1 बॉल दही। और इस दही ऐड करके अब हम इसे अच्छा से भून के पका के मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने दही ऐड करके इसे अच्छा से मसाला बना लिया है। तो इतना मसाला का बस नहीं है, हम राइस इसमें दम लगाएंगे तो इसके लिए झोल का जरूरत होता है। तो इस मसाला को ग्रेवी बनाने के लिए कितना क्वांटिटी का आप राइस दम लगा रहे हैं उसका हिसाब से आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है पानी। तो दोस्तों पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल के अच्छा से सेट भी कर लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पर बिरयानी का मसाला अच्छा से उबाल के पक के तैयार है। जब आपका मसाला सेम ऐसे ही तैयार हो जाए आप बारी है इसमें फ्लेवर डालने का। तो चलो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर। आपको क्या करना है फ्लेवर का हिसाब से ऐड कर लेना है 2 बड़ी चम्मच केवड़ा वाटर और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मीठा अत्तर। इसमें क्या होता है बिरयानी में जबरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसे टेस्ट कर लेंगे। इसमें नमक स्पाइसी फ्लेवर सब बराबर है कि ना आपको चेक कर लेना है। लेकिन हमारा ये मसाला जबरदस्त बना। जब आपका ये मसाला बन के तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है इसे प्लेन बिरयानी लगा लेना है। यहाँ पर ट्विस्ट है, 2 ऑप्शन है। अगर आप लोग तंदूरी चिकन ग्रिल करके बिरयानी बना के मील इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देख रहे मैंने ऐड कर ले रहा हूँ 2 चिकन इस बिरयानी में। ये जो तंदूरी चिकन है 2 चिकन हम ऐड कर लेंगे बिरयानी में और बाद बाकी 3 चिकन बैलेंस है वो बिरयानी का ऊपर ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर लेने से क्या होता है तंदूर का स्मोकी फ्लेवर और बिरयानी में थोड़ा सा चिकन का खुशबू आएगा। तो इसके लिए ऐड कर लेंगे 2 होल तंदूरी चिकन। हम इसे 2 मिनट लीड डाल के दम पे रख देंगे। तब क्या होगा तंदूरी चिकन का जो स्मोकी फ्लेवर है वो पूरा ग्रेवी में फैल जाएगा, तब बिरयानी भी स्मोकी तंदूरी फ्लेवर मिलेगा आपको। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं राइस की ओर। तो राइस बॉईल करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं मैंने हांडी में पानी उछाड़ा लिया और उबल चुका है। तो ऐड कर लेंगे होल खड़ा गरम मसाला, कर लेंगे 2 से 3 मुट्ठी नमक,
थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, लेकिन आपको इस पानी को भी अच्छा सा चेक कर लेना है। पानी उबल चुका है, अब हम धीरे धीरे इसमें राइस ऐड कर लेंगे। दोस्तों देख रहे हैं हमारा यहाँ पर राइस मैंने 50% बॉयल कर लिया है। तो हमेशा ध्यान रहे आप लोग, लेयर बाय लेयर दम डालने के लिए आपको राइस का भी ज़रूरत होता है। पहले 50%, 60%, 80% आपको ऐसा बॉयल करना है। तो देख रहे 50% बॉयल हो चुका है, अब हम धीरे धीरे इसे ऐड कर लेंगे इस हांडी में। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये सारे राइस आपको हांडी में लेयर बाय लेयर करके अच्छा से ऐड कर लेना है। तो नेक्स्ट ऐड कर लेंगे सैफ्रन मिल्क। आपको क्या है, मिल्क में सैफ्रन डाल के अच्छा से गरम करके लेना है। तो देख रहे हैं अब हम धीरे धीरे इसका ऊपर ऐड कर लेंगे सैफ्रन मिल्क। ऊपर से ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नटमेग पाउडर। इसमें क्या होता है, बिरयानी में ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है। इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मैश पाउडर, ज़्यादा ऐड ना करें, ओनली लाइटली। ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बारिस्ता, ऐड कर लेंगे थोड़ा सा देसी घी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी ऐड कर लेना है। दोस्तों बिरयानी रेडी, अब हम इसे धीरे धीरे तवा का ऊपर बैठा लेंगे और स्लो फ्लेम पे दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले अब हम इस हांडी को आटा से या कपड़ा से, आपका मनपसंद जो भी हो, आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसे अच्छा से कवर कर लीजिए। देख रहे मैंने आटा से कवर कर लिया है, अब हम लीड डाल के इसे अच्छा से दम लगा देंगे और इसका ऊपर कोई भी एक वेट वाला सामान रख लेंगे। हाँ, तो इसे आपको स्लो फ्लेम पे मिनिमम 20 से 25 मिनट तक अच्छा से दम पे बैठा के मजेदार बिरयानी तैयार कर लेना है। तो देख रहे बिरयानी दम पे रेडी, आपको सेम ऐसा ही बिरयानी दम पे रेडी कर लेना है। बिरयानी रेडी है, तो देख रहे कितना मस्त का जबरदस्त फ्लेवर का साथ बन के तैयार है। आप लोगों को आ रहा है फ्लेवर, लेकिन हमारा वो गोटा मुर्गा किधर है, पहले हम ढूंढेंगे गोटा मुर्गा। तो गोटा मुर्गा से पहले साइड साइड से अब हम इस राइस को खाली कर लेते हैं डिश में यहाँ। तो दोस्तों देख रहे हैं कितना खिलता हुआ राइस है, आपको सेम ऐसे ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाना है। तो दोस्तों लास्ट में मुर्गा मिल गया, देख रहे ना कितना जबरदस्त मसाला का साथ तंदूरी चिकन बिरयानी। और लास्ट में तो प्रेजेंटेशन बाकी है, लास्ट तक देखना ना भूले, मुर्गा भी मिल गया। चलो डाल देते हैं मुर्गा। तो दोस्तों बिरयानी रेडी, अब बैलेंस 3 तंदूरी चिकन पेंडिंग था, वो हम ऊपर से अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे तंदूरी चिकन बिरयानी, तो बाजू में तंदूरी चिकन ना हो तो मजा आएगा। तो ऐड करेंगे पूरा गुट्टा गोटा मुर्गा। तो दोस्तों धीरे धीरे अब हम 500 मुर्गा बिरयानी का अंदर ऐड कर दें। अब बारी है गार्निश का, इधर है बारिस्ता ब्राउन अनियन और नेक्स्ट है अंडा। अब हम धीरे धीरे इसमें ऐड कर लेंगे अंडा, आप डालेंगे बारिस्ता। आपको क्या करना है, ऐड करना है ब्राउन अनियन।